बिना बात के माँ मैं की गालियाँ देना, मंत्र भाषा का प्रयोग करना, और जब सच्चाई का पता लग गया तो आप मेरा रिवॉर्ड करने की जगह आपने अच्छा रिवॉर्ड कर दिया, आपने मेरे को लाइन में भेज दिया। मेरी बस गलती इतनी है, मैंने उस गाड़ी के ऊपर कोई आईएएस अफसर की निशानी नहीं है कि आपकी शक्ल पे थोड़ी लिखा हुआ कि आप आईएएस। जय हिंद दोस्तों, वो कहावत है ना कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अब तक उनकी नक्शे कदम पे चलने वाले हमारे देश के कुछ लोग ऐसे के ऐसे ही हैं। खासतौर पर जब बात करते हैं अफसरों की, सारे अफसर भी जैसे नहीं होते, लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसा बोलने पर और सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अंग्रेज़ों का काला कानून और काला सिस्टम अभी तक जिंदा है, जहाँ पे कानून एक के लिए कुछ और होता है, दूसरे के लिए कुछ और। मामला है पंचकुला हरियाणा का, सेक्टर 5। यहाँ पे एक होमगार्ड का जवान बेचारा, होमगार्ड को तो वैसे भी लोग कभी कुछ समझते ही नहीं है, पैर की जूती समझते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा काम करता है सबसे कम सैलरी में, जिसकी परमानेंट जॉब भी नहीं होती। होमगार्ड के जवान रेड लाइट पर खड़ा हुआ था, तभी एक कहा गया कि अधिकारी आईएएस ऑफिसर आती हैं और लाइट जंप करती हैं, इनकी ट्रैफिक में ड्यूटी थी। जैसे उस लेडी को ये रोकते हैं, हाथ देखिए भैया वो कहाँ लाइट जंप करके जा रहे हो, तो लेडी बोलती है छोड़ते ही तुम्हें पता नहीं है मैं फलाने डिमकानी ऑफिसर हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो उसके बाद वो कहते हैं मैडम मुझे पता थोड़ी कि आपकी गाड़ी पे थोड़ी लिख रहा है कुछ। और मैं एक सवाल पुलिस वाले भाई से भी है, यदि उसी गाड़ी पे लिखा रहता कि आईएएस है या आईपीएस है तो क्या तुम उनका चलान नहीं करते? इसका मतलब तुम ड्यूटी करने में बिल्कुल सही नहीं हो, तुम चेहरा देख के औहदा देख के ड्यूटी करते हो क्या? ये भी बहुत गलत बात है। दूसरी बात ये, इस मैडम ने इसको धमकी दी कि तूने मेरे को रोका है ना, कोई बात नहीं तेरे को मैं सबक सिखाती हूँ, ये बोल के चली जाती है। और आधे घंटे के अंदर इसके पास कॉल आता है इसके आला अधिकारियों का कि चलो फटाफट से वापस आओ, और इसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। इसको नहीं पता लाइन हाजिर का मतलब है ड्यूटी से ऑफ, लाइन में ड्यूटी लगा देना, न्यूट्रल कर देना एक किसी भी जवान को। तो ये सिस्टम कब तक चलता रहेगा यार? कुछ नेताओं को देख के, बड़े अफसरों को देख के क्या ड्यूटी और कानून बदल दिया जाएगा? ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कानून को भी और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी। उसके लिए सबसे पहले नेताओं को सही होना पड़ेगा। अब इन्होंने अपने बयान में एक वीडियो में बात कही जो आपको दिखाने भी वाला हूँ पूरा वीडियो, कि वहाँ के जो DCP हैं मिस्टर मोहित हांडा और वहाँ के जो चौक इंचार्ज हैं SHO ललित, इन्होंने इनको इतनी गंदी गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इनको इतना मानसिक उत्पीड़न दिया, टॉर्चर किया, कि इस बेचारे ने अपने आप को ख़त्म करने का प्रयास किया। जब ये पहुँच गया हॉस्पिटल तो पूरा मामला खुल के सामने आया। तो बड़ी शर्म आती है ऐसे सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर कि एक अधिकारी आपको फ़ोन करके बोलता है किसी इस नाम के बंदे ने इस चौक पे मेरे को ऐसा किया है, इसके ऊपर एक्शन लो, और तुम लोग एक्शन ले लेते हो वजह उसको रिवॉर्ड देने की, वजह से काम को अप्रिशिएट करें। इसका मतलब तुम खुद भ्रष्ट हो, खुद तुम दलाली करते हो यूनिफॉर्म पहन के, तुम जैसे लोगों को भी यूनिफॉर्म पहनने का कोई अधिकार नहीं है। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपसे एक और बात करता हूँ। तो क्या बात हो गई थी? मरने लायक कर दिया भाई साहब। किस लिए, किसने किया है मानसिक पता? एक हमारे डिपार्टमेंट में नरेंद्र गौतम जी हैं, बिना बात के माँ मैं की गालियाँ देना, मंत्र भाषा का प्रयोग करना, और वहीं दूसरी तरफ हमारे मोहित हांडा जी हैं जो हमारी बातें नहीं सुनते हैं। किसी के कहने पे आपको जो सच्चाई नहीं मालूम, आप किसी के कहने पे क्यों आप एक्शन ले रहे हो? और जब सच्चाई का पता लग गया तो आप मेरा रिवॉर्ड करने की जगह आपने अच्छा रिवॉर्ड कर दिया, आपने मेरे को लाइन में भेज दिया। मेरी बस गलती इतनी है, मैंने उस गाड़ी के ऊपर कोई आईएएस अफसर की निशानी नहीं है कि आपकी शक्ल पे थोड़ी लिखा हुआ कि आप आईएएस अफसर हो। मैंने गाड़ी रोक दी, वो उसने लाइट जंप की, मैंने गाड़ी रोक दी सर। उस पीछे उस लेडीज ने आधे घंटे के अंदर मेरे को लाइन में रवानगी करवा दी ट्रैफिक से, और एक हफ्ते होने के बाद आज दो दिन बाद मेरे नाम की दरख्वास्त दे दी मिस बिहेव का। मेरा मिस बिहेव बस इतना है कि उसकी गाड़ी रोकी। क्या नाम था उस ऑफिसर का? उसका अफसर का सर, तो अब ये DCP साहब मोहित हांडा जी बताएंगे जी, उन्हीं के कहने से तो उन्होंने मेरे को लाइन में भेजा। मेरे को 700-800 आदमी पूछ रहे हैं सर, आप जानते हो मेरे को अच्छी तरह कितनी मेरी इज्जत है सर। हर बंदे को मैं कब तक मैं बताता फिरूंगा सर कि मेरे को क्यों बदली की। तो आज आपने क्या किया? आज मैंने सर, मैं सर मेरा रो रो के बुरा हाल है 12 दिन से सर, मैं तंग हो गया। बस मेरी सुनवाई एक बंदे ने सुनी सर, उनका नाम है सर नेहरा सर, HP हेडक्वार्टर नेहरा सर है सर, उस बंदे ने मेरी सुनी। पर वो भी आईएएस अफसर के से छोटे अफसर है, इसलिए बेचारे वो भी कुछ नहीं कर सकते सर।
पर मैं बहुत तंग हूँ मैं। आज उनकी ये हिम्मत नहीं होती, उन्होंने मेरे साथ में हाथापाई की। किन्होंने की थी हाथापाई? वो उसी उन्हीं लोगों उस लेडीज ने फोन छीना झपटी की मेरे साथ में, उसकी वीडियो सब कुछ पड़ी हुई है सर। क्या घंटे की कार्रवाई हुई सर, क्या कार्रवाई की आपने? हाँ मैंने माफ़ी मांग के चले गए थे उस दिन, हाँ जब मैंने माफ़ी मांग ली, गलती आपकी मैंने माफ़ी मांग ली। अभी लेटेस्ट अपडेट जो हमने पता किया है उसमें ये पता चला है कि लेडी के ऊपर FIR लॉन्च कर ली गई है सरकारी कामकाज में बाधा डालने और कानून तोड़ने के जुर्म में। लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद क्यों हुआ? जब जवान ने वीडियो बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड किया तभी तुम लोगों की आंखें क्यों खुली? जब जवान इतने दिन से कह रहा था तुमने क्यों नहीं सुना? क्यों उसको लाइन हाजिर करके हर कोई ऑफिसर उत्पीड़न करता रहा, आए दिन उसको उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज करना, उसको परेशान करना? यार हर किसी की एक लिमिट होती है यार किसी चीज़ को टॉलरेट करने की। और यही मैसेज को शेयर कीजिएगा ताकि अफसरों को पता चले कि ऐसे किसी का शोषण ना करें और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करें। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।